भारत और चीन के आधिकारिक संबंध के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 70 समझौते करने वाले चीन ने अपनी फितरत नहीं बदली। भारत स्मारक सिक्कों पर संबंधों को उकेरने की तैयारी कर रहा था और चीन ने फिर दगा देते हुए गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। यह रजत सिक्का अप्रैल के पहले सप्ताह में एक समारोह में जारी होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण अनुमति नहीं मिली थी। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जून को हुई गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत और चीन के बीच पिछले काफी समय से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। गलवान घाटी में सेनाओं को पीछे करने की कवायद के दौरान 15 जून को बीती रात हिंसक झड़प हो गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार को हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सैनिकों के लापता होने की रिपोर्ट का भारत ने खारिज किया है। भारतीय सेना ने कहा कि गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना का कोई भी जवान लापता नहीं है। 17 जून को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इन चाइना इंडिया क्लैश टू नेशनलिस्ट लीजर विद लिटिल रूम टू गिव के लेख में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के लापता होने का जिक्र था, जिसे भारत ने खंडन किया है। सोमवार रात को हुई इस घटना में भारतीय सेना के 20 सैन्य कर्मी शहीद हुए हैं। जवाबी हमले में चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की खबर है। अभी चीन के सूत्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की सहमति के मुद्दे से पलटने के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच 6 से 7 घंटे तक पत्थरबाजी और लाठी डंडों से जबरदस्त झड़प हुई। शहीद और घायल हुए सैनिक बिहार रेजिमेंट के हैं। तेलंगाना निवासी शहीद कर्नल संतोष बाबू भारतीय टुकड़ा का नेतृत्व कर रहे थे। चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या को लेकर अभी भी चुप्पी साध रखी है। वहीं अपने हताहत सैनिकों को ले जाने के लिए चीन के हेलीकॉप्टर LAC पर मंडराते रहे। सोमवार रात गलवान घाटी में झड़प की शुरुआत चीनी सैनिकों के रुख बदलने से हुई। मोर्चे पर दोनों सेनाओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप चीनी सैनिक गलवान घाटी से निकलने पर राजी हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद पलटकर भारतीय सैनिकों पर पत्थरों से हमला करने लगे। भारतीय सैनिक शांत थे, लेकिन चीनी सैनिकों के आक्रामक रवैये ने हालात बिगाड़ दिया। शुरुआत में भारतीय सैनिकों की आपत्ति पर चीनी सैनिकों की छोटी टुकड़ी वहां से पीछे चली गई थी, लेकिन थोड़ी देर में सुरक्षा उपकरण पहने हुए और पत्थरों से लैस चीनी सैनिक बड़ी संख्या में वापस आ गए। वापस आते ही उन्होंने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर पत्थर, लोहे की रॉड और कटीली तारों से हमला करना शुरू कर दिया। यहां करीब 120 भारतीय सैनिकों को चीन की सेना ने चालबाजी से घेर लिया था। संख्या के हिसाब से चीनी सैनिक 5 गुना थे। हालात भांपते ही भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यह टकराव करीब 6 से 7 घंटे तक चला। बताया जा रहा है कि चीन की सेना ने हमले से पहले ड्रोन की मदद से थर्मल इमेजिंग करते हुए भारतीय सैनिकों की उपस्थिति का पता लगाया था। अचानक हुए हमले में भारतीय बटालियन की कमान संभाल रहे कर्नल संतोष बाबू और 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर गए। साथ में रहे भारतीय सैनिकों ने इसी अंदाज में जवाबी प्रहार करते हुए चीनी सैनिकों पर धावा बोल दिया। पत्थरबाजी और लाठी डंडे के अलावा दोनों देशों के सैनिक हाथ पैर से भी कई घंटों तक एक दूसरे से संघर्ष करते रहे। इस दौरान तापमान 0 से नीचे पहुंच गया था। ठंड से कई घायल सैनिकों की हालत बिगड़ गई। भारतीय सेना की ओर से गलवान घाटी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हुई हिंसक झड़प में पहले 1 कर्नल और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी दी गई थी। बाद में 17 घायल जवानों की मृत्यु होने पर 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की गई। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 5 मई 2020 को पहली बार पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के सैनिक 2 और बार आपस में भिड़े थे। इस विवाद को खत्म करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत जारी थी। दोनों देशों के बीच अपने अपने स्तर पर कई बार बातचीत हुई, लेकिन चीन के दोहरे रवैये के चलते
सैनिकों की 10 से ज्यादा बार की बातचीत बेनतीजा रह चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आखिर यह हिंसक झड़प कैसे हुआ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।